हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट यूनिट एट लेंथ लेंथ मतलब कोई चीज़ हमारी कितनी लंबी है उसको हम उसकी लेंथ से मेज़र करते हैं जैसे आप आप अपनी हाइट की बात करें लेंथ को हम हाइट भी कह सकते हैं कि आप कितने लंबे हैं तो वो आपकी लेंथ से ही पता चलता है ना ओके या आ, हम अपने कर्टेन का देखें कर्टेन कितना लंबा है उसकी लेंथ मेजर की जाती है ना क्लोथ क्लोथ की लेंथ ही मेजर करते हैं आपकी मम्मा अपने लिए सूट लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे ना वो एक मीटर स्केल होता है शॉप के, के पास उससे वो मेज़र करके देखते हैं ना कि उसका लेंथ कितनी है लेंथ को मेजर करके देखते हैं तो लेंथ को मेजर करने के हमारे थ्री यूनिट्स होती हैं किलोमीटर मीटर एंड मीटर जो सबसे बड़ी यूनिट है दैट इज द किलोमीटर जैसे कि हम यहाँ से हिसार की डिस्टेंस बात करें तो सब कितनी दूर है यहाँ से हिसार तो वो हमारा किस में मेजर होगा किलोमीटर में ओके okay? उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट होती है मीटर मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है जैसे हम क्लॉथ की बात करें क्लॉथ हम परचेज करते हैं तो वो रिबन रिबन uh, हो ये सब हमारा लेंथ की फॉर्म में ही इसको मेज़र किया जाता है लेंथ ऑफ अ डोर की डोर कितना लंबा है ओके लेंथ ऑफ अ विंडो लेंथ ऑफ अ कर्टेन लेंथ ऑफ योर ब्लैक बोर्ड ओके ये सब हमारा uh, इसमें ही मेज़र होता है देन नेक्स्ट यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज इज़ द नेक्स्ट यूनिट ऑफ दिस लेंथ लेंथ की वजह से और भी यूनिट हो जाती है हमारी मिलीमीटर बट अभी हम उसके बारे में नहीं करेंगे नेक्स्ट हमारी सेंटीमीटर होती है जो मीटर से भी छोटी होती है अब सेंटीमीटर यूनिट कहाँ कहाँ यूज होती है uh, जैसे लेंथ ऑफ योर स्केल लेंथ ऑफ योर नोटबुक बहुत ज्यादा लंबे नहीं है ना तो वो हमारा सेंटीमीटर आप सबके पास स्केल भी होगा ना तो वो सेंटीमीटर की फॉर्म में होता है हमारा ओके नाउ वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होता है मतलब हंड्रेड सेंटीमीटर मिलाकर वन मीटर बनता है तो यहीं से आपको आइडिया लग सकता है कि वन मीटर कितना लंबा होता है तो वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ओके okay, और सेंटीमीटर कहाँ यूज होता है सो नाउ नेक्स्ट यू आर गिवन ऑब्जेक्ट्स हेयर इन सर्कल ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर सोल्ड बाय मेजरिंग लेंथ जिनकी लेंथ मेजर करके उनको लिया जाता है उनको हमें सर्कल करना है देखो अब यहाँ क्या है पेट्रोल पेट्रोल की लेंथ तो नहीं देखते ना कि वो कितना लंबा है तो नो नेक्स्ट है रिबन रिबन की तो हम देखते हैं ना वो कितना लंबा है कितनी लेंथ है सो so यस yes, कैबेज कैबेज की लेंथ तो नहीं देखते ना हम कि कितनी लंबी कैबेज है या पटैटो की भी नहीं देखते नेक्स्ट है क्लॉथ क्लॉथ की तो देखते हैं नेक्स्ट है ये बैग है हमारा राइस का इसकी भी लेंथ नहीं देखते नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग कंपेयर मतलब पुट साइन ठीक है हमें देखना है कौन सी वैल्यू वे, बड़ी है कौन सी छोटी है हाइट ऑफ योर क्लासमेट हाइट ऑफ योर टीचर अब क्लासमेट आपका ज्यादा हाइट का होगा या टीचर ज्यादा हाइट की होगी ऑब्वियसली टीचर सो लेस देन आ जाएगा लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक तो ब्लैक बोर्ड ज्यादा बड़ा है या मैथ्स बुक ब्लैक बोर्ड ज्यादा बड़ा है लेंथ ऑफ योर मिडल फिंगर और लेंथ ऑफ योर फोर फिंगर मिडल फिंगर ज्यादा बड़ी होती है या फर्स्ट फिंगर हमारी बड़ी होती है ऑब्वियसली मिडिल फिंगर सबसे बड़ी होती है साइड ऑफ अ हैंकर चिफ ज्यादा बड़ा होता है या बाथिंग टॉवल ऑब्वियसली बाथिंग टॉवल की लेंथ ज्यादा होती है सो दिस वन नेक्स्ट है कलेक्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड मेजर देयर लेंथ आपको ये कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं और इनकी लेंथ मेजर करनी है यूजिंग द स्केल स्केल को यूज करके लेंथ मेजर करना आपको पहले भी सिखाया हुआ है ना तो वही मेथड यहां पर यूज होगा सो यू हैव टू डू दिस ऑल्सो ओके नेक्स्ट है वर्कशीट वन अब देखो आपको मैंने अभी बताई थी कि हमने कुछ यूनिट्स यहाँ पर यूज होंगी किलोमीटर किलोमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है के मीटर की शॉर्ट फॉर्म एम एंड सेंटीमीटर की सी एम ओके एंड वन किलोमीटर में वन थाउजेंड मीटर होते हैं यानी कि वन थाउजेंड मीटर मिलाकर वन किलोमीटर बनता है तो मतलब किलोमीटर कितना बड़ा है है ना तो so अब देखो क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट यूनिट फ्रॉम द बॉक्स टू मेजर द फॉलोइंग लेंथ कि हमें जो नीचे लेंथ दी हुई है इनको मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी यूनिट यूज होगी लेंथ ऑफ स्कर्ट या शॉर्ट शॉर्ट या स्कर्ट uh, जो होती है उसकी लेंथ किस में हो सकती है सेंटीमीटर ना मीटर तो नहीं हो सकता ठीक है आइडिया लगा सकते हैं ना हम आप आपके पास स्केल तो होता ही है तो स्केल से आप ये आइडिया लगा सकते हो तो वो तो स्केल से ही मेजर हो जाएगी जो हमारा सेंटीमीटर स्केल होता है मतलब सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं हाइट ऑफ अ रूम क्या हाइट ऑफ रूम हम उस स्केल का मेजर कर सकते हैं स्केल का यूज करके नो मीटर स्केल होएगा इसके लिए सेंटीमीटर वाला यूज नहीं होगा ब्रेथ ऑफ योर मैथ्स बुक वो तो आप इजीली अपने स्केल से मेजर कर सकते हो तो सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा कितना दूर है दिल्ली से आगरा सो किलोमीटर लेंथ ऑफ योर थंब आप अपने थंब की लेंथ देख सकते हो सेंटीमीटर में मेजर हो सकती है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून अर्थ और मून के बीच तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है सो किलोमीटर लेंथ ऑफ अ कैनल कैनल की लेंथ किस में होगी मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ कर्टेन कर्टेन को स्टिच करने के लिए कितना लेंथ का हमें क्लॉथ चाहिए होगा मीटर में ना नेक्स्ट है फिलप्स द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इस किलोमीटर अभी बताया था वन किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वन थाउजेंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है मीटर द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक किस में मेजर होती है किलोमीटर ओके सो यू हैव टू डू पेज नंबर नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स एंड नाइन्टी सेवन इन योर मैथ्स बुक थैंक यू